गाइज, आप सबको मालूम है कि आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक एक हो चुका है। उस स्थिति में अगर आपके पास आंध्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप सब किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन डिसेबल कर सकते हैं, एटीएम को डिसेबल कर सकते हैं, यानी हर तरह का आप फैसिलिटी आप सब एक ही एप्लीकेशन में पा सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले का, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सभी मैं ऐसे बैंक फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके ही लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है। तो जरूर वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलो चलते अपने मोबाइल का स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे आंध्रा बैंक क्रेडिट कार्ड को हैंडल करते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन से। सो गाइज, अगर आपके पास भी आंध्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप सब पूरा का पूरा फैसिलिटी अपने मोबाइल पे ही जान सकते हैं। जैसे कि आप सब इधर देख लीजिए, इधर मैं पूरा पता था, जैसे कि अकाउंट समरी की बात कर लें या व्यू स्टेटमेंट का, जैसे कि मंथली में आप कितना खर्च किए हैं उसका अगर आपको बायोडाटा चाहिए तो आप सब इसी एप्लीकेशन में जान सकते हैं। जैसे कि ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, यानी इस मंथ में कितना ट्रांजेक्शन आप किए हैं वो जान सकते हैं। साथ में कार्ड कंट्रोल, यानी जैसे कि अपने कार्ड को डिसेबल करना है, इनेबल करना है, एटीएम से कोई भी व्यक्ति मनी विड्रॉ करे उसको आपको डिसेबल करना है, वो भी कार्ड से काम इस तरह से कर सकते हैं। साथ में पिन जनरेट अगर करना है, यानी आपको आंध्रा बैंक क्रेडिट कार्ड में आपको नया पिन बनाना है तो आप पिन जनरेट पर क्लिक करके अपना एक नया पिन भी बनवा सकते हैं। साथ में हर तरह का आपको फैसिलिटी का इधर मिल जाता है। साथ में इधर आप सर्विस रिक्वेस्ट का कर सकते हैं, रेफरल यानी अपने फ्रेंड को रेफर कर सकते हैं, एसएमएस आर्ट को इनेबल कर सकते हैं, साथ में पेमेंट के रिलेटेड बात कर सकते हैं, स्कैन एंड पे का, यानी आप किसी भी मर्चेंट को आपको पेमेंट करना है तो फाइनली आप स्कैन एंड पे वाला सुविधा यूज कर सकते हैं। यानी आप किसी का, जैसे कि भारत क्यूआर कोड अगर आपके पास अवेलेबल है तो फाइनली आप इधर से स्कैन कीजिए और फाइनली तरीके से आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। साथ में मैनेज कार्ड का भी सुविधा इसमें दिया गया है। तो ये सब कैसे करेंगे इसके लिए तो आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। तो आपसे बोलेंगे एप्लीकेशन का नाम क्या है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो चलो फाइनली मैं आपको दिखाता हूं एप्लीकेशन का नाम। गाइस, आपको एप्लीकेशन का नाम है एबी क्रेडिट कार्ड, यानी आपको आंध्रा बैंक क्रेडिट कार्ड ये एप्लीकेशन का नाम है। आप सबको गूगल प्ले स्टोर पे बहुत ही इजी तरीके से मिल जाता है। तो आप सब उधर से जाके एबी क्रेडिट कार्ड जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इसी प्रकार का एक एप्लीकेशन दिखाई देगा, तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद चलो फाइनली मैं इसको डाउनलोड करके रखा हूं, तो फाइनली मैं ओपन पे क्लिक करता हूं। गाइस, जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यूनियन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपके पास जो भी मोबाइल नंबर से आपका ये अकाउंट चल रहा है, क्रेडिट कार्ड का हो या आपको सेविंग अकाउंट का हो, तो उसी नंबर से आपको एक बार वेरीफाई करवाना पड़ेगा आपका मोबाइल नंबर का। तो इसको फाइनली आप जो नीचे में आप एक ऑप्शन दिख रहे हैं एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो आई एग्री पर आप ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलो आई एग्री पर क्लिक करते हैं। उसके बाद फाइनली आपको इस नंबर पर एक मैसेज सेंड करना पड़ेगा जिसपे आपको 1.5 रुपया कटना कट जाएगा। तो ये आपको वेरीफाई आपको करवा लेना है जो भी रहेगा। जैसे अभी आप सिम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमको 200 सेंड करना है तो आपसे 200 सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है आपका फाइनली तरीके से आपका ये एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। तो चलो आपको दिखाते हैं। सो गाइस, अभी आप देख लीजिए प्लीज वेट करके, हमको एक मैसेज दिख रहा है, हमको बता कि नो कार्ड एग्जिट, यानी आपको जो मोबाइल नंबर है वेरीफाई नहीं हुआ है, जो कि मैं गलत मोबाइल नंबर से रिक्वेस्ट डाल दिया था। तो चलो फाइनली हम एक बार ट्राई दोबारा कर लेते हैं, जो कि इसमें हमको मैसेज तो करना ही है। उसके बाद इधर से पहले मैं सिम को चेंज करता हूं। तो गाइस, अभी मैं 2 नंबर से कर दिया, जो कि मेरा 2 नंबर सिम से ही मेरा जो है इसमें मेरा यूनियन बैंक का अकाउंट है अवेलेबल, तो इसका मैं वेरीफाई इधर से पहले कर लेता हूं। उसके बाद यानी आप तीनों बैंक का जो भी क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो तीनों बैंक का ही क्रेडिट कार्ड आप इसी एप्लीकेशन से हैंडल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास आंध्रा बैंक है तो ही जाकर आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। आपके पास तीनों बैंक में से कोई भी बैंक अकाउंट अवेलेबल है तो आप सब इसको यूज कर पाएंगे, चाहे यूनियन बैंक हो, कॉरपोरेशन बैंक हो या आंध्रा बैंक हो, तीनों बैंक आप सब इधर से हैंडल कर सकते हैं। तो चलो आप दिखाता हूं इसमें आप सब क्या क्या कर सकते हैं। गाइस, जैसे आपका ये एप्लीकेशन चालू हो जाता है तो जिसका कार्ड कंट्रोल वाले ऑप्शन पर जब जैसे आप आएंगे तो इसमें आप ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो उसको आप डिसेबल कर सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं, जो कि आप सबको मालूम है कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लेके बहुत सारा फ्रॉड चलता रहता है, तो आप सब उसको अपने अनुसार से उसको आप यूज कर सकते हैं। साथ में पोस्ट ट्रांजेक्शन यानी एम पोस्ट मशीन को अगर आप सब डिसेबल कराना चाहते हैं, इधर एक ऑप्शन दिया गया है डिसेबल का, इनेबल का। जैसे आप आगे की तरफ टिक करेंगे तो आपका इनेबल हो चुका है और
जैसे आप पीछे की तरफ करेंगे तो आपका ये डिसेबल हो चुका है। उसी प्रकार अगर आप एटीएम का जो ट्रांजेक्शन को बंद करवाना चाहते हैं तो उसी प्रकार ये भी आपको करना पड़ेगा। आगे की तरफ करेंगे तो आपका इनेबल हो जाएगा और पीछे की तरफ करेंगे तो आपका डिसेबल हो जाएगा। साथ में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसे कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अदरवाइज कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको इसको आप इनेबल कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। साथ में टेम्प्रोरी ब्लॉक करवाना चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को तो इधर से फाइनली आप देखिए ब्लॉक और अनब्लॉक का सुविधा दिया गया है। तो आप जैसे पीछे की तरफ करेंगे तो आपका ब्लॉक हो जाएगा और आगे की तरफ करेंगे तो आपका अनब्लॉक हो जाएगा। साथ में अब लिमिट सेट करना चाहते हैं कि इस मंथ में हमको 10,000 रुपये ही का जरूरत है तो आप सब सेट लिमिट पे क्लिक करके अपना लिमिट को एक सेट कर सकते हैं। उसी प्रकार हर तरह का फैसिलिटी इसमें दिया गया है। जैसे कि आप डैशबोर्ड पाएंगे तो डैशबोर्ड हर तरह का बेनिफिट आपको इधर दिखा रहा है जिसमें स्टेटमेंट कार्ड, ट्रांजेक्शन का कार्ड कंट्रोल, जनरेट पिन, मैनेज कार्ड, वर्चुअल कार्ड, स्कैन एंड पे एंड सर्विस रिक्वेस्ट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में कार्ड प्रोफाइल पर जब गाइस आएंगे तो इस मंथ में कितना आप यूज किए हैं और कौन सा कार्ड है, आपका कार्ड का टाइप कौन है, कार्ड का लिमिट कितना है और कितना आप यूज किए हैं, पूरा फैसिलिटी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ में जैसे आप होम वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो होम अकाउंट प्रोफाइल साथ में सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है और चेंज पासवर्ड साथ में एम पिन और सपोर्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप कस्टमर केयर से सपोर्ट करना चाहते हैं तो जैसे आप सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप आंध्रा बैंक क्रेडिट कार्ड के जो कस्टमर है उनसे आप सब सपोर्ट कर पाएंगे। साथ में इधर देख लीजिए इधर अपने मन से एक जो आप जिस टाइम अपना आंध्रा बैंक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे इसके लिए एक एम पिन की जरूरत पड़ता है तो आपसे इधर से एक एम पिन डाल सकते हैं जो उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसी एम पिन से आपसे इसमें लॉग इन और लॉग इन हो सकते हैं। उसी प्रकार हर तरह का आपको इसके आपको स्टेटमेंट की जरूरत है तो फाइनली आप स्टेटमेंट पर आइए। उसके बाद जैसे आप इधर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड का, जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार आपको मिनी जो आप देख रहे हैं कार्ड नंबर यानी हर तरह का आपको सीवीवी कोड, एक वर्चुअल कार्ड भी आपको शो हो जाएगा। एक तो मेन क्रेडिट कार्ड आपका रहेगा ही, नीचे में वर्चुअल कार्ड भी आपका शो होता रहता है जैसे कि एक्सपायरी डेट, सीवीवी कोड, हर तरह का फैसिलिटीज में दिखाया गया। जैसे कार्ड आपका ब्लॉक है या एक्टिव है ये भी आपको स्टेटस दिखाया जाता है। तो गाइस काफी अच्छा खासा ये एप्लीकेशन है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है आंध्रा बैंक का तो आप सब ये एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। उम्मीद करते आप सबको ये वीडियो काफी पसंद आएगा, जरूर वीडियो का लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस अगर आप सबके पास भी आंध्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप सब आंध्रा बैंक ही एप्लीकेशन से पूरा का पूरा हैंडल कर सकते हैं। चाहे कार्ड को डिसेबल कीजिए, इनेबल कीजिए, चाहे एटीएम कार्ड का डिसेबल कीजिए, इनेबल कीजिए, चाहे वर्चुअल डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो वर्चुअल डेबिट कार्ड को भी आप सब इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। यानी आपके साथ कभी भी कोई तरह का फ्रॉड नहीं होगा, यानी पूरा का पूरा हैंडल अपने मोबाइल के माध्यम से ही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप सबको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ इशू है या आपको क्रेडिट कार्ड हैंडल करने में कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।